जी स्टूडेंट वालेकुम कैसे हैं आप लोग मुझे काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं काफ़ी सारे कि ये इंटीमेशन का क्या तरीक़ेकार है तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताता चलूं बेसिकली इस वक्त मेरे पास ये आप देख सकते हैं टॉप पे इस्लामाबाद बार काउंसिल का फ़र्स्ट इंटीमेशन फॉर्म है चूँकि मेरे स्टूडेंट्स इस्लामाबाद और पिंडी दोनों में हैं तो मैंने सोचा कि वन बाई वन मैं इसमें गाइडेंस दे देता हूँ तो इसमें सिंपल सी बात है जो आपका मेन कंसर्न है वो ये है कि फ़ीस आपकी थर्टी सिक्स हंड्रेड जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जिनकी एज अप टू थर्टी फाइव ईयर्स है ठीक है तो अभी तो खैर ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नए रूल्स हैं लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट के तो ये थर्टी सिक्स हंड्रेड ही हम एक्सपेक्ट करेंगे और सारे स्टूडेंट्स इसमें थर्टी फाइव लेस ही होंगे ठीक है अच्छा जी अब इसको हम फॉर्म को पढ़ लेते हैं आपको रिक्वायरमेंट्स का भी पता चल जाएगा नॉट एन इशू सबसे पहले यहाँ पर uh, जो स्टूडेंट uh, या जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो uh, अपना यहाँ पर एक चीज़ कह लें कि सर्टिफिकेट देगा ठीक है तो यहाँ पर सर आई हैव पास्ड एल एल बी एग्ज़ामेशन इन दर फना फना ठीक है जॉइंट द चम्बर ऑफ मिस्टर अब यहाँ पर आपको एक लॉयर सीनियर लॉयर की ज़रूरत होगी जिसकी प्रैक्टिस दस साल या उससे ज़्यादा है कि वो आपको यहाँ पर अपना प्यूपल या फिर अपना ट्रेनिंग इंटर्नी शो करें ठीक है एडवोकेट हाई कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट इस्लामाबाद एज अ प्यूपल विद इफेक्ट फ्रॉम टू थाउजेंड डेफिनेटली ये पुराने फॉर्म्स हैं तो आप यहाँ पर लेट से कि अगर नेक्स्ट डेट जो है वो थर्ड मई है तो थर्ड मई 2021 ठीक है अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल डू हेयर बाई इंटर फला फला ये चीज़ सारी आ जाएगी ठीक है अब उसके बाद जो अकाउंट है इम्पॉटेंटली वो ये अकाउंट नंबर है एच जो ब्रांच है जो इस्लामाबाद के लोग हैं एफ एट कचहरी के मरकज़ में ही एच मौजूद हैं वहाँ पर जा कर आप ये फ़ीस जमा करवा सकते हैं ठीक है उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायरमेंट है अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द रिजल्ट कार्ड्स ऑफ मैट्रिक टू एल एल बी मेट्रिक की उसके बाद इंटरमीडिएट उसके बाद एल एल बी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री या फिर जो फाइव ईयर प्रोग्राम वाले हैं वो पाँच ईयर की लगाएंगे या जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में है तो वो फिर बी एल एल बी जो लीडिंग प्रोग्राम है अकॉर्डिंगली वो अपनी स्लिप्स अटैच करेंगे ठीक है स्लिप ऑफ रुपीस ये थर्टी सिक्स हंड्रेड की जो आपने डिपॉज़िट की है हबीब बैंक में एफ एट मर्कज़ ब्रांच ये चले ब्रांच भी उन्होंने मेंशन कर दी वो बिल्कुल करीब ही है कोई मसला नहीं है फ़ोटो कापी ऑफ सीनियर्स आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इस्लामाबाद बार काउंसिल अब चूँकि इस्लामाबाद का लाइसेंस ले रहे हैं तो आपके सीनियर भी इस्लामाबाद बार काउंसिल से ही होने चाहिए ठीक है फॉर वेरीफ़िकेशन ऑफ एनरोलमेंट डेट उसके बाद फोर रिसेंट फोटोग्राफ्स इन प्रोफेशनल ड्रेस विद ग्रीन टाई अब इस्लामाबाद में ग्रीन टाई चलती है बाकी जो पंजाब बार काउंसिल है वहाँ पर जो इंटर्नीज हैं वो मैरूम टाई लगाते हैं ठीक है तो ये याद रखना है लड़कों के लिए ग्रीन टाई एंड जो खुतिन हैं उनके लिए ग्रीन स्काफ होगा ठीक हो गया ब्लैक आप लोग नहीं पहन सकते अथॉरिटी लेटर फॉर डिग्री वेरीफिकेशन अभी मैं दिखाऊंगा साथ अटैच्ड है एफिडेविट साथ अटैच्ड है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी ठीक है अच्छा जी उसके बाद नोट है वेरीफाई योर डिग्रीज मैट्रिक टू एल एल बी फ्राम हायर एजुकेशन कमीशन बिफोर सबमिशन ऑफ द सेकेंड इंटीमेशन तो सेकेंड इंटीमेशन या वो जो लॉ गैट वाला सिस्टम है उससे पहले आप फिर ये uh, तब तक पूरा कर लेंगे सिग्नेचर्स आ जाएंगे एड्रेस आ जाएगा सेल नंबर आ जाएगा अब ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग ये उस लॉयर की तरफ से है जो कि आपको इन करेगा या जिसकी uh, जिसको आप अपना सीनियर uh, शो करेंगे ठीक है आई मिस्टर ए बी एडवोकेट हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट इस्लामाबाद एनरोल्ड एज सच ऑन ठीक है एनरोलमेंट डेट उनकी आ जाएगी डू हेयर बज सर्टिफाई दैट आई हैव टेकन मिस फना फना एज पीपल अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स विद अफेक्ट फ्राम जो भी डेट होगी आई फर्दर सर्टिफाई दैट आई हैव बीन एन टाइटल टू प्रैक्टिस एट द बार फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन टेन ईयर्स तो दस साल कम अज कम प्रैक्टिस सीनियर की होनी चाहिए एंड आई विल नॉट हैव मोर दैन थ्री pupils ड्यूरिंग द टाइम ऑफ his pupilage ठीक है ये डेट आ गई ये सिग्नेचर आ गए अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं ये एफिडेविट जिसका वो जिक्र था और इसके अंदर जो भी आ, फ्रेश लॉयर है वो कहेगा आए ए बी सी सन अपनी डिटेल्स देगा रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद डू हेयर बाय सॉलमली अफर्म एंड डिक्लेयर ऑन ऑथ एस अंडर दैट द डिपोनेट इज सबमिटिंग अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिग्री इफ एनी ऑफ माई सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री फाउंड इन एट प्रेजेंट और फ्यूचर आई शेल बी लाइबल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी ट्यूटिड अगेंस्ट मी तो बस आप सिंपल एक उनसे को एफिडेविट दे रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है ठीक है और उसके बाद यही वेरिफिकेशन जो होती है वो आ जाएगी यहाँ पर भी आप अपनी डेट डाल देंगे और अपना डिपोनेंट अपना नाम लिख देगा लास्ट में जो चीज़ मैंने पहले बताई थी अथॉरिटी लेटर वो यहाँ पर मौजूद है अब यहाँ पर बेसिकली जो डिपोनेंट है जो फ्रेश लॉयर है वो अथॉरिटी लेटर दे रहे है सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार काउंसिल को कि वो किसी भी अथॉरिटी से जो डिग्री वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें डिपोनेंट नेम एंड सी एन आई सी नंबर आ जाएगा तो सिंपल स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सिंपल सा फॉर्म है ये फिलअप करना है इम्पोर्टेंटली थर्टी सिक्स हंड्रेड फी है जो कि आपने जमा करवानी है और ये जो इंटीमेशन फॉर्म है ये आपको मिल जाएगा फोटो कापियर से वहाँ पर जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का ऑफिस है इस्लामाद कचहरी में उसके बिल्कुल करीब एक फ़ोटो कापियर है वहाँ से ठीक है और ये सारी चीज़ें आपने फ़िलअप करके फॉर्म फिलअप करके आपने जमा करवाना है इस्लामाबाद बार काउंसिल ऑफिस जो कि जी एलेवन में मौजूद है ठीक है स्पेशल कोर्ट सेंटर इस्लामाबाद जहाँ पर ये आ, पेश करते हैं बड़े बड़े केसेस में आपके पॉलिटिकल लीडर्स को ठीक है वही वाली बिल्डिंग है जस्ट वेरिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ और वहाँ पर ऊपर थर्ड या फोर्थ फ्लोर है इस्लामाबाद बार काउंसिल का ऑफिस मौजूद है फॉर्म फ़िलअप करके आपने वहाँ पर जमा करवा देना है और ये आपका प्रोसेस इस तरीके से फर्स्ट इंटीमेशन का कंप्लीट हो जाएगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफ़